सीएम साहब के पास में गए थे, क्या बातचीत क्या क्या हुआ? बहुत उन्होंने सभी पैरालंपिक के जो खिलाड़ी रहे हैं बैडमिंटन में, क्योंकि आज यहाँ पे फोर्थ पैरा बैडमिंटन नेशनल हो रहा है भुवनेश्वर में, और यहाँ पे हमारे जो टोक्यो के मेडलिस्ट हैं वो सारे यहाँ मौजूद हैं। प्रमोद भगत जी हैं, विनोद सरकार हैं, बाकी भी जो एथलीट्स हैं, कृष्णा नागर हैं जो अभी खेल रत्ना भी जीते हैं, गोल्ड भी जीते हैं टोक्यो में, और मैं प्रेसिडेंट हूँ पैरालंपिक कमेटी की। हमारे प्रभाकर राव जी भी हैं, यहाँ पे आए थे, और द्रोणाचार्य विजेता हमारे गौरव खन्ना जी भी, जो इन सभी दिग्गजों के कोच हैं। तो हम सबको उन्होंने बहुत बधाई दी, हमारा उत्साह बढ़ाया, और आगे भी पैरालंपिक खेलों में पूरी उड़ीसा की मदद की और पूरी इंफ्रास्ट्रक्चर की उन्होंने हमको उन्होंने बिल्कुल हमें आश्वासन दिया है कि वो लगातार पैरा खेलों को बहुत बढ़ावा देंगे। तो मैडम क्या लगता है आने वाले दिनों में पैरालंपिक में उड़ीसा का क्या पोजीशन रहेगा? हमारी इच्छा है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा खेल, क्योंकि अब इतने सुंदर खेल प्रांगण यहाँ पे बन गए हैं, हज़ारों की तादाद में खिलाड़ियों की रहने की सुविधा बन गई है। तो उन्होंने हमें पूरा आश्वासन दिया है कि जल्द ही यहाँ पे बड़ी से बड़ी जो हमारी जैसी पैरा एथलेटिक्स का नेशनल है उसको कराने की भी सुविधा वो करेंगे। बस ईश्वर से यही प्रार्थना है कि जो कोविड की लहर है वो बढ़े ना। सभी से निवेदन है कि अपना ध्यान रखें, मास्क पहनें, ताकि हम इस पेंडेमिक को बढ़ने ना दें और खिलाड़ियों के सपने ना टूटें और आराम से खेल हम का आयोजन हो सके सुचारू रूप से और हेल्थ को सेफ रखते हुए। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। चलो बैठते हैं। चलो आप करो चलो।